बच्चों आज बात करेंगे कैलोरी मेट्री के ऊपर। तो कैलोरी मेट्री क्या होता है, कैलोरी मेट्री क्या होता है, कैलोरी मेट्री होता है स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट जब ट्रांसफर होती है उस टाइम की जितनी कैलकुलेशन होती है, जितनी मैथमेटिक्स होती है, जोड़ घटाना होता है, उसको हम कैलोरी मेट्री बोलते हैं। कैलोरी मेट्री में सबसे पहला टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस एच सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या होता है, देखो इसका जो सिंबल है पहली बात वो छोटा सा सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। और ये होता क्या है, ये होता है अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट जिससे जिससे 1 kg सब्सटेंस का, 1 kg किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 degree Celsius बढ़ा दे या बढ़ाया जा सके, है ना। किसी भी सब्सटेंस का 1 kg ले लो और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 1 degree Celsius। अब किसी भाई सब्सटेंस का 1 kg लिया, उसका टेम्परेचर 1 degree बढ़ाना था, तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको हीट दोगे कि नहीं, उसी हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या मतलब है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास 1 kg वाटर है, अगर मेरे पास कितना पानी है 1 kg वाटर है और इसका टेम्परेचर मैं बढ़ाना चाहूं 1 degree Centigrade, जैसे ये वाटर मान लो 14 degree Centigrade पे था और हमने इसको हीट किया, हीट करके इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 15 degree Centigrade, कितना बढ़ा 1 degree। इस टाइम जो हीट लगी उसकी वैल्यू होगी 4200 जूल, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट जिससे 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 degree Centigrade बढ़ाया जा सके। 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 degree बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत बढ़िया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होती है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक कॉन्स्टेंट होता है, एक कॉन्स्टेंट होता है फॉर अ गिवन सब्सटेंस। जैसे सब्सटेंस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, जैसे सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है, उसी तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कांस्टेंट होती है। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन सब्सटेंस। एक सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। जैसे हम आपसे एक और एग्जांपल दें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये एसआई यूनिट में नहीं है, तो क्या हुआ, जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, पर ग्राम मतलब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ग्राम मतलब 1 gram कॉपर हो और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना हो, टेम्परेचर 1 degree Centigrade बढ़ाना हो तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो हमें 0.4 जूल हीट देनी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg या 1 gram, अब जैसे लिखा हो वैसे समझ जाएंगे, बाई 1 degree Centigrade। इसको उल्टा भी समझ सकते हो, मान लो मेरे पास 1 gram कॉपर है और मुझे इसका टेम्परेचर कम करना है, इसका टेम्परेचर फॉल कराना है, कितना फॉल कराना है 1 degree Centigrade। तो किसी चीज का टेम्परेचर कब कम होता है, जब उसमें से हीट को निकाल लिया जाए, तो इसमें से कितनी हीट निकाल लें 0.4 जूल, तो इसका टेम्परेचर 1 degree कम हो जाएगा, और अगर इतनी ही हीट दे दें तो इसका टेम्परेचर 1 degree बढ़ जाएगा। तो ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत बढ़िया। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास एंड रेज द टेम्परेचर बाई यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। अरे आप देख रहे थे 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ऊपर क्या है हीट, नीचे क्या है मास, और क्या है टेम्परेचर, नहीं चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा टी, और इसको बोलते हैं छोटा सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, छोटा सा सी। यानी यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आई, एम सी डेल्टा टी। अब इसको याद कर लो,
Q is equals to MC delta T. Q is equals to MC delta T. और Q क्या होता है? Q होता है heat. M क्या होता है? M होता है mass. C क्या होता है? Specific heat capacity. और delta T क्या होता है? Change in temperature. Change in temperature. Okay, let's do numerical. क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो सवाल ले लेते हैं. यह सवाल आया क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड व्हिच एब्जॉर्ब्स 2400 जूल्स ऑफ हीट एंड इट्स टेम्परेचर rises from 10 degree centigrade to 40 degree centigrade if mass of substance is 2 kg. बहुत बढ़िया. तो सवाल सामने हैं, तो हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे Q is equals to MC delta T. कितनी हीट दे रखी है? 2400 जूल. मास कितना दे रखा है? 2 kg. और C कितना दे रखा है? C ही तो निकालना है. और डेल्टा टी कितना दिया है? 10 से 40, तो कितना हो गया? 30. कितना राइज हुआ? 30. तो यहां से सी की वैल्यू क्या आएगी? 2400 जूल डिवाइडेड बाय 2 केजी डिवाइडेड बाय 30 डिग्री सेंटीग्रेड. तो सी इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 80 बाय 2, 0 से 0 कैंसिल, 3 8 24, 80 बाय 2, 40 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 40 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड. तो ऐसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को, फॉर्मूला यूज करेंगे Q is equals to MC delta T. अच्छा देखो, एक टर्म और होता है, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी या इसका एक और नाम है थर्मल कैपेसिटी. अब ये क्या है? कुछ नहीं है. थर्मल कैपेसिटी के लिए हम यूज करेंगे MC, या जो हम लिखते थे ना Q is equals to MC delta T. इस MC को मिलाकर बोलते हैं एक बड़ा सी, और इस बड़े सी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी. ये जो MC है, इनको मिला के बनेगा बड़ा सी, और बड़े सी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी. जैसे हमारे पास सवाल आया, यहां पर सवाल आया क्वेश्चन नंबर टू, अ सॉलिड ऑफ मास 5 केजी रिक्वायर्स 500 जूल टू चेंज इट्स टेम्परेचर by 20 degree centigrade. Find its specific heat capacity and heat capacity. दोनों चीजें पूछ ली, specific heat capacity and heat capacity. तो Q is equals to MC delta T. Q की value कितनी है? 500 जूल. M की value कितनी है? 5 kg. C की value कितनी है? नहीं पता. Delta T to change its temperature, by 20, मतलब delta T दिया है. तो C is equals to 500 जूल upon 5 kg multiplied by 20 degree centigrade. तो ये 100 बटे 20 कितना हुआ? 5 जूल पर kg degree centigrade. ये आ गया specific heat capacity. अब और क्या पूछ रहा है? Heat capacity. Heat capacity होता है capital C, formula है MC. तो capital C is equals to MC लगा दो. Mass कितना है रे? 5 kg. ओए होए होए होए. C कितना है रे? 5 जूल पर kg degree centigrade. kg ने kg को मार दिया. 525 जूल पर degree centigrade. तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड. और इसकी एसआई यूनिट क्या है? जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड. बहुत बढ़िया. तो कभी अगर हीट कैपेसिटी बोलता है तो एमसी मल्टीप्लाई कर देंगे, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलता है तो सिर्फ सी निकाल देंगे. बहुत बढ़िया. इसके बाद क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर वाले, जिसमें एक एक साथ दो चीज डाल देते हैं. तब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ मिक्सचर. क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ मिक्सचर, या इसका दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. बहुत आता है पेपर में. मेथड ऑफ मिक्सचर का दूसरा नाम भी पूछता है कई बार, तो दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. एक काम करते हैं, हम एक गर्म सामान लेते हैं, एक ठंडा सामान लेते हैं, दोनों को साथ में रख देते हैं. क्या होगा? ठंडे सामान का टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म सामान का टेम्परेचर घटेगा. जनरल सी बात है.
तो ये जो चीज हो रही है ये क्या हो रही है, जो गर्म चीज है वो हीट को लूज करती है, जो ठंडी चीज है वो हीट को गेन करती है, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, और मान लो मेरे पास एक कोल्ड बॉडी है, ठंडी बॉडी, और हमारे पास एक हॉट बॉडी है, गर्म बॉडी है। कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी को अगर हम साथ में रख दें तो हॉट बॉडी क्या करेगी, हॉट बॉडी हीट को लूज करेगी, कोल्ड बॉडी क्या करेगी, हीट को गेन करेगी, है ना, ये हीट देगी, ये हीट ले लेगी। और इफ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, अगर हीट का कोई नुकसान नहीं, यहां तो जितनी हीट इसने फेंकी हय्याहू इसने उतनी पकड़ ली, तो हीट का कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब जितनी हीट ये लूज करेगा उतनी गेन करेगा, मतलब हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। बहुत बढ़िया, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी विच इज कॉल्ड मेथड ऑफ मिक्सचर एंड एप्लीकेबल इफ देयर इज ओनली नो लॉस ऑफ हीट। अच्छा, बोला जाता है ये किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये चीज किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हीट क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, अगर एनर्जी का कोई लॉस नहीं है तो ये दोनों इक्वल होंगे। कौन सा प्रिंसिपल है यार, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इफ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट। तो जितनी हीट हॉट बॉडी देगा उतनी हीट कोल्ड बॉडी ले लेगा, तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और मेथड ऑफ मिक्सचर, हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाई कोल्ड बॉडी। बहुत बढ़िया, अब एक बात सुनो कि हीट का लॉस और गेन कब तक होता रहेगा। आइए एक सवाल के थ्रू ये समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, If 60 gram of water at 50 degree centigrade is mixed with 20 gram of solid at 10 degree centigrade, find final temperature of mixture और specific heat capacity water की दे रखी है हमको 4.2 joule per gram degree centigrade, और specific heat capacity solid की भी दे रखी है हमको, solid की है 2.1 joule per gram degree centigrade। अब हमसे पूछ रहा है कि final temperature क्या होगा, ये final temperature कहानी क्या है। एक काम करो, इधर बनाओ cold body। बहुत बढ़िया, अब हॉट बॉडी कौन है, हॉट बॉडी है वाटर, कोल्ड बॉडी कौन है, कोल्ड बॉडी है सॉलिड। बहुत बढ़िया, अच्छा हॉट बॉडी का मास पता है, बिल्कुल पता है 60 ग्राम, कोल्ड बॉडी का मास पता है, बिल्कुल पता है 20 ग्राम, हॉट बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर पता है, हाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कोल्ड बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर पता है, हाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, हाँ 4.2, स्पेसिफिक कैपेसिटी पता है, हाँ 2.1। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो यार ये हीट का ट्रांसफर क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा। देखो जैसे मान लो हीट यहां से यहां फ्लो कर रही है, तो यहां से हीट यहां फ्लो करेगी, यहां की हीट कम होती जाएगी, यहां की ज्यादा, टेम्परेचर नॉट हीट, टेम्परेचर यहां का कम होता जाएगा, यहां का ज्यादा, एक समय दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तब हीट का लॉस बंद हो जाएगा, ट्रांसफर बंद हो जाएगा। मतलब हीट का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं होता। हॉट बॉडी का टेम्परेचर गिरता जाता है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर उठता जाता है, एक टाइम दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है और उस समय हीट का ट्रांसफर बंद हो जाता है। मतलब हॉट बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा, कोल्ड बॉडी का उठेगा और एक कॉमन टेम्परेचर पे आके हीट का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, लेट फाइनल टेम्परेचर बी थीटा, हमने फाइनल टेम्परेचर मान लिया थीटा। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने किया क्या है सवाल में, हमने 60 ग्राम पानी लिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 20 ग्राम एक सॉलिड लिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे और दोनों को मिला दिया है। ये पानी गरम गरम, सॉलिड ठंडा ठंडा, यानी यहां से यहां हीट आएगी, कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, थीटा। पानी का टेम्परेचर गिरते गिरते थीटा, इसका बढ़ते बढ़ते थीटा।
तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आप लगाएंगे पीओसी या मेथड ऑफ मिक्सचर लगाएंगे एमओएम, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या मेथड ऑफ मिक्सचर. हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड सॉलिड. हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड सॉलिड. तो भैया फॉर्मूला क्या होता है एमसी डेल्टा टी, और यहां भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे एमसी डेल्टा टी. यहां पे मास रखेंगे 60, सी रखेंगे 4.2, डेल्टा टी क्या रखेंगे. देख पानी का स्टार्टिंग का टेम्परेचर 50 और लास्ट में किस पे आ गया थीटा, और ये टेम्परेचर फॉल हुआ है, मतलब क्या लिखोगे 50 माइनस थीटा. टेम्परेचर 50 से गिरता कहां आया थीटा, तो 50 माइनस थीटा. इधर मास कितना है कोल्ड बॉडी का 20, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 2.1, और डेल्टा टी क्या रखें, इसका टेम्परेचर 10 से बढ़ता हुआ कहां गया थीटा, मतलब थीटा बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे थीटा माइनस 10. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और थीटा को फाइंड करेंगे और आंसर आ जाएगा. तो इस तरह से कैलोरीमेट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एमसी डेल्टा टी रखना है, फाइनल टेम्परेचर को थीटा मानना है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा तो 50 माइनस थीटा, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो थीटा माइनस 10. बहुत बढ़िया. अब जैसे हमें अगला सवाल दिया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. इफ 600 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 200 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर. बहुत बढ़िया. चल भाई अब फिर से वही, इधर लिख लो क्या हॉट बॉडी, इधर लिख लो क्या कोल्ड बॉडी. अब हॉट बॉडी भी कौन है वाटर, कोल्ड बॉडी भी कौन है वाटर, इस बार यहां भी वाटर यहां भी वाटर. तो भैया हॉट बॉडी का मास कितना है 600 ग्राम, कोल्ड बॉडी का मास कितना है 200 ग्राम. इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पता, इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं पता, नहीं दे रखी, कोई बात नहीं. इसका टेम्परेचर इनिशियली कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर इनिशियली कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हीट यहां से यहां तक आएगी, कब तक आएगी, जब तक इसका टेम्परेचर गिर के कहीं पे रुक नहीं जाता इसका उठ के. तो मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर कितना है थीटा, इसका टेम्परेचर गिरता हुआ थीटा पे आएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ. तो हीट लॉस बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर, फॉर्मूला क्या लगाएंगे एमसी डेल्टा टी, इधर भी एमसी डेल्टा टी, यहां मास की जगह 600, सी की वैल्यू नहीं पता, डेल्टा टी. अब हॉट बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा 80 से गिरता थीटा, मतलब 80 माइनस थीटा, यहां मास 200 ग्राम, सी की वैल्यू नहीं पता, कोल्ड का टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब थीटा 20 से बड़ा होगा. भाई कोल्ड बॉडी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मतलब लिखोगे थीटा माइनस 20. अब देखो सी को मार देगा और कैलकुलेशन करके यू कैन फाइंड व्हाट थीटा. तो इस तरह से आपको फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा. ये याद रखना है कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर गिरता है और कोल्ड का बढ़ता है, फाइनल टेम्परेचर थीटा, मतलब हीट का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. हीट तभी ट्रांसफर होती है जब दो बॉडी में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, करंट तभी फ्लो करता है जब दो बॉडी में पोटेंशियल का डिफरेंस हो. समझ में आ गया, बहुत बढ़िया. तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब मान लेते हैं हमारे पास एक सवाल आया जिसमें हमारी कॉपर की एक वेसल भी इन्वॉल्व है. जैसे हमसे बोला यहां कॉपर की एक वेसल है, यहां पे कॉपर की एक वेसल है और इसके अंदर कुछ पानी रखा है, ठीक है. हमारे पास कॉपर की वेसल है जिसका मास है 50 ग्राम और इसके अंदर पानी पड़ा है, मान लेते हैं 100 ग्राम पानी है और 100 ग्राम पानी का टेम्परेचर मान लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. इसमें हमने एक सॉलिड डाला छपाक, इसके अंदर हमने सॉलिड डाला, सॉलिड का मास है मान लेते हैं 200 ग्राम और सॉलिड का इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. अब सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमको दे रखी है, सॉलिड की स्पेसिफिक कैपेसिटी मान लेते हैं 2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और वेसल की स्पेसिफिक कैपेसिटी हमको दे रखी है 0.4 जूल ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी भी हमको दे रखी है जो कि है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. हमसे पूछा फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ठीक है. अब दो नहीं, अब कितनी बॉडी हो गई, तीन बॉडी हो गई, एक ये, बहुत बढ़िया. अच्छा, तो इसमें हॉट बॉडी कौन है वाटर, टेम्परेचर ज्यादा है, कोल्ड बॉडी कौन है सॉलिड, टेम्परेचर कम है, बहुत बढ़िया. वेसल के बारे में क्या कहोगे, वेसल का टेम्परेचर नहीं दिया, तो याद कर लो, समझ लो, इसको दिमाग में डाल लो कि वेसल का टेम्परेचर वही होता है जो उसके कंटेंट का होता है. वेसल
का टेम्परेचर नहीं देगा कभी भी एग्जाम में, वही होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, नहीं वही होता है जो उसके कंटेंट का होता है। कंटेंट मतलब जो उसके अंदर है, तो उसके अंदर कौन है, पानी, पानी का टेम्परेचर 50, तो वेसल का टेम्परेचर भी 50, याद रखेंगे ये बात, वेसल का टेम्परेचर वही होता है जो उसके कंटेंट का होता है। तो वेसल भी क्या बन गई, हॉट बॉडी, पानी भी क्या बन गया, हॉट बॉडी, और सॉलिड क्या बन गया, कोल्ड बॉडी, क्योंकि सॉलिड टेम्परेचर कम है। तो कुछ नहीं, आपको लगाना है पीओसी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी यानी हॉट वाटर प्लस हीट लॉस्ट बाई हॉट वेसल, दोनों ही हॉट बॉडी हैं, इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाई सॉलिड विच इज कोल्ड बॉडी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इस बार दो हॉट बॉडी हैं, दोनों हीट लूज करेंगी, एक कोल्ड बॉडी है हीट गेन करेगा। प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक तीनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इन दोनों का टेम्परेचर गिरेगा 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 गिरेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो लेट द फाइनल टेम्परेचर, लेट फाइनल टेम्परेचर बी थीटा। तो भाई साहब हॉट बॉडी के लिए, वाटर के लिए एमसी डेल्टा टी, इसके लिए भी एमसी डेल्टा टी, और इसके लिए भी एमसी डेल्टा टी लगा दिया। मास कितना है 100 ग्राम, सी कितना है 4.2, डेल्टा टी कितना रखें, पानी टेम्परेचर शुरुआत में 50, पानी टेम्परेचर कितना थीटा, और पानी का टेम्परेचर, पानी गर्म है तो नीचे आएगा, तो क्या लिखोगे 50 माइनस थीटा प्लस यहां मास हॉट वेसल का, वेसल का मास 50, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.4, डेल्टा टी इनिशियल टेम्परेचर 50, फाइनल थीटा इसका टेम्परेचर भी गिरेगा तो 50 माइनस थीटा। फिर इधर आ गए कोल्ड सॉलिड, सॉलिड का मास 200, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2, डेल्टा टी इसका इनिशियल टेम्परेचर 10, फाइनल थीटा। अब ये कोल्ड बॉडी है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब थीटा बढ़ा है, तो लिख लोगे थीटा माइनस 10। नाउ यू कैन कैलकुलेट थीटा एंड गेट द आंसर। हो गया सवाल, ले खत्म। तो कंसेप्ट सही लगाना है, जब दो हॉट बॉडी हो जाएं तो दोनों की हीट लॉस को इक्वल कर देना है कोल्ड बॉडी से, जितनी भी हॉट बॉडीज हैं सबको एक तरफ, जितनी भी कोल्ड बॉडीज हैं उनको एक तरफ, और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे हमसे क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन ये आ गया, हाँ, हमारे पास मान लो 50 ग्राम पानी है एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज पोर्ड इनटू अ वेसल कंटेनिंग कोल्ड वाटर 20 ग्राम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल। तो डरना नहीं है रे, सवाल सब आसान है, बस लॉजिक सही होनी चाहिए। चलिए एक बार सोचते हैं क्या क्या होगा। एक वेसल है, बहुत बढ़िया, वेसल का मास नहीं दिया, वेसल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दी, वेसल का इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिया, ओके। वेसल के अंदर क्या है, इट इज पोर्ड इनटू अ वेसल कंटेनिंग कोल्ड वाटर 20 ग्राम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके अंदर ठंडा पानी है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, 20 ग्राम वाटर और टेम्परेचर कितना है उसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भाई वेसल का वही टेम्परेचर होगा जो उसके अंदर कंटेंट का होगा, यानी वेसल का टेम्परेचर भी मिल गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें क्या डाला, इसमें डाला आपने 50 ग्राम वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, ये कैसा वाटर हो जाएगा, हॉट। तो इसमें आपने डाला 50 ग्राम वाटर कितने डिग्री पे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाल दिया, और फाइनल टेम्परेचर इस बार दे दिया है, फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर को कई बार पेपर में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वो होता है जहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, यानी हीट का ट्रांसफर बंद हो जाता है, ओके। तो फाइनल टेम्परेचर लिखाओ या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लिखाओ, ठीक है। कितना दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत बढ़िया। तो आप लगा दो, क्या लगा दो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मेट्री या मेथड ऑफ मिक्सचर, हीट लॉस्ट बाई हॉट वाटर, इस बार हॉट बॉडी कौन है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है, कोल्ड बॉडी कौन है, ये और ये, इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाई कोल्ड वाटर प्लस हीट गेन्ड बाई कोल्ड वेसल, दोनों ही कैसे हैं,
कोल्ड है, यहां फॉर्मूला क्या लगेगा एमसी डेल्टा टी, यहां फॉर्मूला क्या लगेगा एमसी डेल्टा टी, यहां फॉर्मूला क्या लगेगा एमसी डेल्टा टी। हॉट वाटर का मास 50, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है कितनी है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4.2 डेल्टा टी। अब हॉट वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 60, फाइनल टेम्परेचर 20, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू, कोल्ड वाटर का मास कितना है 20, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी दे रखी है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4.2 डेल्टा टी। अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 10 से बढ़ता 20 पे आएगा, तो 20 माइनस 10 प्लस मास ऑफ कोल्ड वेसल नहीं दिया, स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं दी, डेल्टा टी 10 से बढ़ता 20 पे, तो 20 माइनस 10। अच्छा, अब यहां से आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे। अब देखो ये बचा हुआ है एमसी 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 एमसी, और एमसी को क्या बोलते थे हीट कैपेसिटी, एमसी को ही क्या बोलते हैं हीट कैपेसिटी, तो एमसी की जगह आप सीधा कैपिटल सी लिख दो। पूछा भी क्या है फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल, मैंने बताया था ना हीट कैपेसिटी कैपिटल सी इज इक्वल्स टू एम इनटू छोटा सी, इसीलिए एमसी नहीं दिया था क्योंकि एमसी आपस में मिलकर क्या बन जाएगा कैपिटल सी हीट कैपेसिटी, बाकी सब दिया है कैलकुलेट।